हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉयज तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और इसको आपको दो से तीन बार जरूर रिवाइज करना है फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगाल हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नर ऑफ बेंगाल नॉट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगाल ओके तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगाल वॉज रॉबर्ट क्लाइव एंड इसका टाइम टीन्यूर टू टाइम्स था यानी कि बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे यानी कि 1757 फिफ्टी सेवन टू सिक्सटी देन बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे उसके बाद में 1765 सिक्सटी फाइव टू सिक्सटी सेवन ये डबल टाइम ड्यूरेशन था रॉबर्ट क्लाइव का एज गवर्नर ऑफ बेंगाल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल वॉज क्रिएटेड ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश भारत के दौरान किस वर्ष गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था तो ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ये डिसाइड किया गया कि अब हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो होता है यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का ये पद जो सृजित करेंगे यानी कि अब गवर्नर की पोस्ट को हटा दिया गया अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा कहाँ का तो ये बंगाल का ओके तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो देखिए फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगल वॉज रॉबर्ट क्लाइव बट फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगॉल वॉज वॉरन हेस्टिंग्स ओके तो ये सेवनटीन सेवेंटी थ्री की रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू बना था ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और ये इसका टाइम टेनियर था सेवनटीन सेवनटी टू टू सेवनटीन एटी फाइव तो so, इसके बारे में कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन है जैसे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगॉल तो ये वॉरन हेस्टिंग्स था एंड ऑफ द डूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो जो प्रशासन की द्वैध शासन प्रणाली चलती थी जिसको लियोनेल कर्टिस ने इंट्रोड्यूस किया था तो द्वैध शासन व्यवस्था जो बंगाल में चल रही थी उसको एंड किया था फिर रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसके टाइम ड्यूरेशन में 1773 का उसके बाद देखिए पिट्स इंडिया एक्ट भी आया था जो कि 1784 का आया था तो ये वॉन हेस्टिंग्स के ही टाइम ड्यूरेशन में आया हुआ था सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हुआ था कैलकाटा में ये भी इसी के टाइम पर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कि सेवनटीन में इस्टैब्लिश किया गया था वो भी इसी के टाइम ड्यूरेशन में आया हुआ था फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड ट्रीटी ऑफ सालबाई तो ये भी इसी के टाइम ड्यूरेशन में आया हुआ था तो ये हुआ था ठीक है फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भागवत गीता तो ये भी इसी के टाइम ड्यूरेशन में आया हुआ था और इम्पीचमेंट भी इस पर लगाया गया था जैसे कि हम आर्टिकल नंबर सिक्सटी में पढ़ते हैं हमारे प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट का प्रोसेस अप्लाई किया जाता है तो उसी प्रकार से वॉरन हेस्टिंग्स पर भी इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया भी लगाई गई थी Who among the following is popularly known as father of civil services in India? तो किसे father of civil services in India के नाम से जानते हैं तो ये Cornwallis आपका correct आंसर हो जाएगा देखिए इसका जो place of death and burial है तो वो गाजीपुर इंडिया में है यानी कि उत्तर प्रदेश में और ये जो Cornwallis है इसने पुलिस फोर्स का भी establishment किया था तो father of civil services and police force, ये दोनों ही establishment किया गया था बाई Cornwallis. Okay? Next question. देखिए स्टैब्लिशमेंट ऑफ संस्कृत कॉलेज थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे जब श्री शेरी रंगपट्टनम का संधि हुआ था ट्रीटी हुई थी टिपू सुल्तान के टाइम पे और देखिए परमानेंट सेटलमेंट अस्थाई बंदोबस्त वाली जो व्यवस्था होती है और सिविल सर्विसेज और पुलिस व्यवस्था जो भी है ये स्टैब्लिशमेंट किया गया था तो ये टाइम ड्यूरेशन था कॉर्नवालिस का ओके सेवनटीन टू सेवनटीन नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ठीक है अभी हम बंगाल के परस्पेक्टिव से बात कर रहे थे बट नाउ वी आर टॉकिंग फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ इंडिया तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉज विलियम बेंटिक ओके okay? तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन है ये सोशल रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंगली नोन है मतलब माना जाता है जैसे कि इसने जो अबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम जो सती सिस्टम का प्रैक्टिस हो रहा था एटीन ट्वेंटी नाइन में इसको अबॉलिश किया था विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय और देखिए ठगी सिस्टम जो होती थी उसको दबाया था और सपरेशन ऑफ इन्फेंटिसाइड जो भ्रूण हत्या होती थी कि कोख में यदि लड़की है गर्ल चाइल्ड है तो उसका इन्फेंटिसाइड कर देना शिशु हत्या तो ये सब का सपरेशन किया था अच्छे इसने सोशल रिफॉर्म्स किए थे तो देखिए जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आता है ना जो चार्टर एक्ट्स आते हैं तो उसमें से जो 1833 वाला जो चार्टर एक्ट होता है जिसको कि हम सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जानते हैं उसने क्या किया था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था उस बंगाल को हटाकर कहाँ का गवर्नर जनरल का पोस्ट कर दिया तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट कर दिया बाई द एक्ट ऑफ एटीन दैट वॉज चार्टर एक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया तो भारत का प्रथम वॉइस रॉय था कैनिंग ओके okay? तो देखिए इंडियन पिनल कोड इंडियन काउंसिल्स एक्ट जो इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट है इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट तो ये सारे ही एक्ट्स जो है ना ये कैनिंग के टाइम ड्यूरेशन में आए हुए थे तो देखिए जो 1858 का इंडिया एक्ट आया हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उसके थ्रू क्या किया जाता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटाकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटाकर ये वॉइस रॉय का पोस्ट आ जाता है ठीक है तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है देखिए 1773 से क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल का गवर्नर होता है तो उसको हटाकर फिर क्या कर देते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो वॉरन हेस्टिंग्स बन जाता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ़ बंगाल उसके बाद क्या होता है कि विलियम बेंटिक बनते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ठीक है उसके बाद क्या होता है कि एक्ट ऑफ 1858 आता है तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट को ख़त्म करके फिर वॉइस रॉय को लेकर आते हैं तो ये कौन से एक्ट के थ्रू तो एटीन के एक्ट के थ्रू ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ एटीन फिफ्टी एट द गवर्नर जनरल रिप्रेजेंटिंग द क्राउन बिकेम नोन एज वॉइस रॉय ओके तो अब हम एटीन फिफ्टी एट के एक्ट के थ्रू अब हम गवर्नर जनरल को किस नाम से जानते हैं तो वॉइस रॉय के नाम से जानते हैं और देखिए रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन में हो रहा था तो उस टाइम पर कौन था कैनिंग था ध्यान में रखना है ओके okay? तो ये लॉर्ड कैनिंग है इनके बारे में इनफॉर्मेशन एटीन फिफ्टी सिक्स टू एटीन फिफ्टी सेवन थ्री यूनिवर्सिटीज़ भी इन्होंने स्टेबलिशमेंट की थी कैलकटा मद्रास बॉम्बे में और एटीन फिफ्टी सेवन के टाइम ड्यूरेशन में देखिए लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो ये कैनिंग हो जाएंगे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो विलियम बेंटिक हो जाएंगे इफ़ व्यू टॉक अबाउट की फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया तो कैनिंग हो जाएगा बाई द एक्ट ऑफ एटीन फिफ्टी एट रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन पास द एक्ट ऑफ एटीन फिफ्टी एट विच एंड रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ओके विद्रू विथ ड्रू डॉक्टर इन ऑफ फ्लैप्स जो कि डलहौजी ने स्टार्ट किया था व्यपगत का सिद्धांत या गोद निषेध का सिद्धांत ये डॉक्टर इन ऑफ फ्लैप्स का हटाया था ये कैनिंग ने और उसके बाद एटीन फिफ्टी सेवन रिवोल्ट के टाइम पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज मेड वॉइस रॉय ऑफ़ ब्रिटिश इंडिया एंड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया तो ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो ये माउंट बेटन विल बी और करेक्ट आंसर देखिए फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया स्वतंत्र भारत की बात करें और इंडियन की बात करें तो राजगोपालचार्य जी थे बट अगर बात करें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जो कि नॉन इंडियन था तो ये माउंट बेटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं देखिए फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज रॉबर्ट क्लाइव फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज वॉरन हेस्टिंग्स फ्रॉम द एक्ट ऑफ 1773 सेवनटी थ्री दैट वॉज रेगुलेटिंग एक्ट चार्टर एक्ट ऑफ एटीन थर्टी थ्री मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक बने ठीक है फिर ये कैनिंग की बात करें तो ये फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बना था थ्रू द एक्ट ऑफ 1858। फिफ्टी एट माउंटबेटन की बात करें तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ़ फ्री इंडिया बने थे या इंडिपेंडेंट इंडिया ये नॉन इंडियन थे जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया बने थे राजगोपाल जी की बात करें तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया थे द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया राजगोपालाचारी अब यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है तो अब यहाँ पे इसका सिंपली देख लेते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था एंड ऑफ डूअल सिस्टम किया था ओके अबॉलिश डुअल सिस्टम लॉर्ड कॉर्नोवालिस्ट ने ये हमने ऑलरेडी देख लिया इसको हम रिवाइज़ कर रहे हैं यहाँ पे कॉर्नोवालिस्ट ने क्या किया था परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल जॉन सोर ने किया था पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस ये इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और विलेजली विलेजली ने क्या किया था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो कि सहायक संधि प्रणाली होती थी तो ये चीज़ विलजली ने किया था ओके okay? तो डूपले ने इसको इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को बट ब्रॉडर एरिया में जो भी यूज़ किया था या एक्सपेरिमेंट किया था तो वेलेजली ने किया था ठीक है तो ये आपको आंसर ध्यान में रख लेना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में बात करें तो ये पर्शियन एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज जो भी कोर्ट प्रोसीडिंग में होती है तो उसको यूज़ किया था एंड मेड इंग्लिश लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग जो भी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग होती थी उसमें विलियम बेंटिक ने कहा कि अब इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करेंगे ओके okay? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और हेस्टिंग्स के बारे में बात करें ये वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं है ये हेस्टिंग्स है ओनली 1813 थर्टीन टू एटीन ट्वेंटी एज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल व्हेन बॉम्बे वाज डिजाइनेटेड एट एज प्रेसिडेंसी तो बॉम्बे जब प्रेसिडेंसी बनी थी तो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 में आई हुई थी और ये देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको पास किया था और ये ध्यान में रखना है बस आपको कि इंडियन स्लेवरी एक्ट जो दासता या गुलामी अधिनियम 1843 में आया हुआ था एलन बरो की बात करें तो ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल था वेन द स्लेवरी वॉज अबॉलिस्ड तो जब ये दासता वाला अंत हुआ था तो उस टाइम पर कौन था ब्रिटिश गवर्नर जनरल तो एलेन बरो ओके नेक्स्ट अब यहाँ बात कर लेते हैं डफरिन के बारे में तो जब कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हो रहा था 1885 में तो उस टाइम पे कौन था वॉइस रॉय तो डफरिन था उसके बाद फर्स्ट टाइम अगर सेंसस हुआ था तो 1872 में मेओ उस टाइम पे था बट अगर फर्स्ट टाइम जो नियमित रूप से रेगुलर सेंसस होने लगा तो रिपन उस टाइम पे थे ओके और सेंसस ऑफ 1881 एटी वन विच वॉज अंडरटेकिन ऑन सेवनटीन्थ फेब्रुवरी एटीन एटी वन बाई डब्ल्यू सी प्लाउड ध्यान में रखना है ये सारी ही इंफॉर्मेशन फर्स्ट टाइम सेंसस हुआ था जनगणना तो 1872 में मेयो के द्वारा और रेगुलर सेंसस की बात करें तो रिपन के टाइम ड्यूरेशन में हुई थी अब यहां पे बात कर लेते हैं देखिए विलियम जोन्स की बात करें ना तो विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन्होंने इसकी स्थापना की थी सेवनटीन में ओके थॉमस तो मुनरो ने क्या किया था तो रैयतवाड़ी सेटलमेंट ऑफ मद्रास तो मद्रास में रैयतवाड़ी सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट किया था विलियम बेंटिक ने किया था देखिए जो सती सिस्टम 1829 की थी तो उसको एंड किया था ओके उसके बाद हार्डिंगे की बात करें तो इसने क्या किया था कि जो फीमेल इन्फेंटिसाइड जो भ्रूण हत्या होती है तो इसको एंड किया था तो इस तरीके से आप ये सारे ही आंसर्स यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट की बात करें देखिए यहाँ पे अब हम फिर से इसको रिवाइज़ करते हैं थोड़ा सा वॉरन हेस्टिंग्स की बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया हुआ था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरन हेस्टिंग्स ही थे इन्होंने क्या किया था फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीता करवाया था तो इनके ही टाइम ड्यूरेशन में हुआ था वेले जली की बात करें तो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो सहायक संधि प्रणाली है उसको इंट्रोड्यूस किया था एक तरीके से ब्रॉडर एरिया में फैलाया था विलियम पेंटिक की बात करें तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया हुआ था और उसके बाद सती सिस्टम का एबॉलिशमेंट 1829 में करवाया था और रिजोल्यूशन ऑफ़ 1835 एंड एजुकेशन रिफॉर्म्स लेकर आए थे और देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज इन्होंने बनाया था जो कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है सुप्रीम कोर्ट की एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ये विलियम बेंटिक के टाइम ड्यूरेशन में आया हुआ था डलहौजी की बात करें तो रेलवे मिनट ऑफ एटीन तो ये अठारह में थाने से चली थी जो ट्रेन तो ये डलहौजी के टाइम ड्यूरेशन में आई हुई थी टेलीग्राफ एंड पोस्टल रिफॉर्म्स ये इंपॉर्टेंट है टेलीग्राफ एंड पोस्टल रिफॉर्म्स भी डलहौजी ने इंट्रोड्यूस की थी वीडो री एक्ट जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ये भी डलहौजी के टाइम ड्यूरेशन में आई हुई थी इंट्रोडक्शन ऑफ द डॉक्टर ऑफ लैप्स तो ये इंपॉर्टेंट है जो झांसी की रानी जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनकी भी कोई चाइल्ड नहीं थी तो वो भी इसके ट्रैप में आ गई थी तो डलहौजी ने ये इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्टरिन ऑफ लैप्स स्टार्ट किया था कि जिस भी राजा या रूलर की कोई भी चाइल्ड नहीं है तो उसका जो भी राज्य या स्टेट होगा वो डलहौजी विल एक अक्वायर ओके डलहौजी उसको अपने अंडर में ले लेगा अब यहाँ पे जो देखिए क्वेश्चन है इसकी बात कर लेते हैं इसको करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किया गया था बाई डलहौजी तो सबसे पहले देखिए यहाँ बात कर लेते हैं सतारा की तो सतारा को अपने अंडर में लिया था डलहौजी ने बाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो एटीन में लिया था जैतपुर को 1849 में लिया था संभलपुर को 1849 में बगाट को 1850 में उदयपुर को 1852 में झांसी को देखिए 1853 ध्यान में रखना है झांसी को 1853 के टाइम ड्यूरेशन में डॉक्टरिन ऑफ लैप्स के द्वारा अपने अंडर में लिया था डलहौजी ने नागपुर को 1854 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अवध अवध पर इसने इंटर इंटरनल मिस रूल का ये एलिगेशन लगा के 1856 में अक्वायर किया था तो इंटरनल मिस रूल मतलब कि कुशासन का आरोप लगाकर किसको को अक्वायर किया था डलहौजी ने तो अवध विल बी योर करेक्ट आंसर ओके एलिगेशन्स लगा के इसने 1856 में अक्वायर किया था अवध को डलहौजी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बात करें तो देखिए इंट्रोड्यूस्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको कि हमने अभी इस स्लाइड के थ्रू देख लिया ईयर भी आपको ध्यान में रखने हैं चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था 1854 में तो और इनाम कमीशन आया हुआ था ये भी डलहौजी के टाइम ड्यूरेशन में आया हुआ था पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 का फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्शन बॉम्बे एंड थाने ये भी डलहौजी के टाइम ड्यूरेशन में आया हुआ था आई थिंक थर्टी फोर किलोमीटर ये चली भी थी उस टाइम पे फर्स्ट रेलवे सेकेंड एंग्लो सिख वॉर भी इसके टाइम ड्यूरेशन में हुआ था फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन भी इसके टाइम ड्यूरेशन में हुआ था स्टार्टेड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज तो ये आई के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग उस टाइम पे ये इसने स्टार्ट किया था जो अभी आई का एग्जाम हम लोग देखते हैं सिविल सर्विसेज का वीडो रिमैरिज एक्ट आया हुआ था इसकी टाइम ड्यूरेशन में 1856 में और इसको फादर ऑफ इंडियन टेलीग्राफ के नाम से जानते हैं फादर ऑफ इंडियन रेलवेज के नाम से जानते हैं फादर ऑफ इंडियन पोस्टल सिस्टम के नाम से जानते हैं फादर ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के नाम से भी डलहौजी को जानते हैं इतनी इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है अब उसके बाद हम मिंटो की बात कर लेते हैं देखिए स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1905 से 1908 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था करजन के टाइम ड्यूरेशन में ठीक है तो उस टाइम पे मिंटो था मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स आए थे तो देखिए फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम लीग 1906 में हुआ था इसके टाइम ड्यूरेशन के बीच में ये सारे इंसिडेंट्स हुए थे देखिए सूरत विभाजन जो हुआ था स्प्लिट इन द कांग्रेस ये 1907 में हुआ था ओके और न्यूज़पेपर एक्ट आया था 1908 में मॉरलेम मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में आए थे और करजन के टाइम ड्यूरेशन में डिवीज़न ऑफ बंगाल हुआ था ठीक है ध्यान में रखना है हर्डिंगे की बात करें उन्नीस से उन्नीस में एनलमेंट ऑफ़ द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911 में हुआ था जब बंगाल का पार्टीशन रद्द कर दिया गया था कैंसिल कर दिया गया था ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू डेली तो 1911 में ही जॉर्ज पंचम और मैरी क्वीन मैरी आए हुए थे तो ये डिसाइड करते हैं कि डेली को हम ऑफिशियली मानते हैं इंडिया का कैपिटल पहले क्या हुआ था पहले क्या हुआ करता था कैपिटल कैलकाटा ठीक है तो ये हार्डिंगे के टाइम ड्यूरेशन में ही हुआ था ये सारा इंसिडेंट द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय तो अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था शुरू की थी कॉर्नवालिस के टाइम ड्यूरेशन में 1793 में तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया है देखिए कैनिंग की बात करें एल्गिन की बात करें और लॉरेंस की बात करें तो कैनिंग के टाइम ड्यूरेशन में डॉक्टरिन ऑफ लैप्स का अबॉलिशमेंट हुआ था ये हमने देखा था वहाँ भी मूवमेंट जो चला था बिहार के साइड 1862 टू 63 ये एल्गिन के टाइम ड्यूरेशन में हुआ था लॉरेंस की बात करें तो 1864 टू तो 1869 इसका टाइम ड्यूरेशन है एंग्लो भूटान मतलब अंग्रेजों और भूटान से वॉर हुआ था इसके टाइम पे और जो हाई कोर्ट इन कैलकटा मद्रास ये स्थापित हुआ था तो ये लॉरेंस के टाइम ड्यूरेशन में हुआ था नेक्स्ट देखिए मेयो के बारे में बात करें तो इसके हमने ऑलरेडी बात की है कि फर्स्ट टाइम सेंशस इसके द्वारा ही करवाया गया था एटीन में बट ये रेगुलर नहीं था रेगुलर किसके टाइम से हुआ स्टार्ट तो रिपन के टाइम ड्यूरेशन से हुआ था और देखिए जो मेयो है ना इसकी पोर्ट ब्लेयर में हत्या कर दी गई थी ही वॉज़ किल्ड बाय शेर अली अफरीदी इन पोर्ट ब्लेयर ओके okay? अंडमान साइड में और इसने स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी इस्टेब्लिशमेंट की थी और इसने फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ओके तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि मेओ वॉज द ओनली गवर्नर जनरल हु किल्ड इन इंडिया बाई शेर अली अफरीदी द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इन इंडिया टू इम्प्रूव लेबर कंडीशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द वॉइसरॉयशिप ऑफ तो श्रम की स्थितियों में सुधार के लिए पहला कारखाना अधिनियम किस वॉइस रॉय के अंतर्गत आया हुआ था तो ये देखिए रिपन के टाइम ड्यूरेशन में आया हुआ था फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट ऑफ एटीन एटी वन वॉज ऑफ रिपन। इन ऑर्डर टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन तो ये विलियम हंटर भी आए हुए थे ये शिक्षा से रिलेटेड 1881 में ये आयोग बना था विलियम हंटर एक देखिए जलिया वाला बाघ हत्याकांड जो हुआ था उस टाइम पे भी हंटर कमीशन आया था बट ये एजुकेशन वाला है ठीक है वो तो 1919 में 1919 -19 में हुआ था बट ये 1881 का है कमीशन इसको पास किया गया था 1882 में इलबर्ट बिल विवाद भी हुआ था कि जो भारतीयों के मुकदमे हैं मतलब उसमें इंडियन जजेज अपना वर्डिक्ट दे सकते हैं तो ये इलबर्ट बिल कॉन्स्परेसी भी हुई थी एटीन में ये भी जो रिपन है इन्होंने अलाउ किया था कि इंडियन जजेस भी मुकदमे को सुन सकते हैं और अपने वर्डिक्ट दे सकते हैं द एज ऑफ एंट्री इन सिविल सर्विसेज वॉज इंक्रीज टू ट्वेंटी वन ईयर्स तो इक्कीस साल तक बढ़ाया गया था नहीं तो पहले आई थिंक उन्नीस साल तक कर दिया गया था कि उन्नीस साल में ही आपको आई एस ऑफिसर बन जाना है तो इसको इंक्रीज़ किया गया था टाइम ड्यूरेशन रिपन का था ट्वेंटी वन ईयर्स तक इंक्रीज़ किया गया था एज ऑफ एंट्री इन सिविल सर्विसेज अब यहाँ पे कुछ और बात करते हैं रिपन एंड डफरिन के बारे में तो देखिए रिपन को हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर भी कहते हैं जैसे जो पंचायती सिस्टम एंड म्यूनिसपल बोर्ड्स होते हैं और बात करें टू न्यू यूनिवर्सिटीज़ इसने इस्टब्लिशमेंट की थी पंजाब यूनिवर्सिटी एंड अलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1884 में पंजाब यूनिवर्सिटी एंड 1887 में अलाहाबाद यूनिवर्सिटी और एल्बर्ट बिल विवाद हमने देखा ही कि इंडियन जजेस कैन नॉट ट्राई इंग्लिश जज तो ये एल्बर्ट बिल विवाद इसके टाइम ड्यूरेशन में ही पास हुआ था तो इसको किसने सही करवाया था तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि रिपन का जो टाइम ड्यूरेशन है एटीन एटी टू एटीन एटी फोर है और ये इसको बहुत ज़्यादा प्यार किया जाता था मतलब रिपन वॉज मोस्ट लव्ड लवेबल कह सकते हैं गवर्नर जनरल क्योंकि इसने कुछ थोड़े अच्छे काम करवाए थे ठीक है और इसने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन ने जो लगाया था ना उसको रिमूव भी करवाया था रिपील करवाया था तो इस तरीके से थोड़े बहुत इसने अच्छे काम किए थे जैसे विलियम बेंटिक बेंटिकटे सती सिस्टम इन्फेंटिसाइड ऑफ फीमेल तो ये सारी चीज़ें उन्होंने भी की थी तो थोड़े से ये दोनों लोग थोड़े से ठीक ठाक थे डफरिन की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बन रहा था 1885 में तो उस टाइम ड्यूरेशन में डफरिन वाज द वॉइस राय तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हरडेंगे सेकंड और चेम्स फोर्ट के बारे में तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाता टू दिल्ली तो ये हमने ऑलरेडी बात कर ली है हिंदू महासभा वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय मदन मोहन मालवी तो ये इसी टाइम ड्यूरेशन में हरडेंगे के टाइम ड्यूरेशन में इस्टैब्लिशमेंट हुई थी हिंदू महासभा की चैम्स फोर्ड की बात करें तो 1916 टू 1921 इसका टाइम ड्यूरेशन है होम रूल लीग मूवमेंट्स भी हुए थे देखिए 1916 में हुए थे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रोलेट एक्ट आया था नाइनटीन में न ना अपील न दलील न वकील बिल्कुल डाउट के बेस पर किसी को भी जेल भेज देना तो ये रॉलेट एक्ट आया था मॉन्टेंगे चेम्प फोर्ड रिफॉर्म भी पास हुए थे इस टाइम पे 1919 में ओके नेक्स्ट देखिए ये रीडिंग है इरविन विलिंगटन लिनलो तो रीडिंग के टाइम ड्यूरेशन में आपको ध्यान रखना है चौरी चौरा इंसिडेंट हुई थी और स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था ठीक है स्वराज पार्टी का 1923 में फॉर्मेशन हुआ था और इरविन लॉन्च ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में की गई थी और दांडी मार्च की तो ये इरविन उस टाइम पे था और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुआ था इसके ही टाइम ड्यूरेशन में विलिंगटन के टाइम पे सेकेंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे पूना पैक्ट साइन हुआ था नाइनटीन में चौबीस सितंबर को नाइनटीन थर्टी में पूना पैक्ट साइन हुआ था बिटवीन महात्मा गांधी जी एंड भीमराव अम्बेडकर कम्युनल अवार्ड भी स्टार्ट हुए थे विलिंगठन के टाइम पे लिन लिथगो की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूछते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे कौन था तो उस टाइम पे था लिन लिथगो क्रिप्स मिशन भी आया था 1942 में तो इस टाइम पे भी लिन लिथगो था इसका टाइम ड्यूरेशन 1936 थर्टी सिक्स टू नाइनटीन फोर्टी फोर यहाँ पर इसको थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं इरविन की बात करें तो 1926 टू 31 था ये विजिट ऑफ साइमन कमीशन जब 1928 में साइमन कमीशन आता है तो उस टाइम पे कौन था तो इरविन था उसके बाद देखिए डांडी मार्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी इस टाइम पे होता है और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होता है और गांधी इरविन पैक्ट भी साइन होता है नाइनटीन में ओके नेक्स्ट देखिए विलिंगटन आ जाता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो इरविन होता है उसके बाद वो गांधी जी और इरविन के बीच में पैक्ट साइन होता है फिर गांधी जी एस एस राजपूताना शिप से जाते हैं लंदन में टू अटेंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और उसी टाइम पे देखिए भगत सिंह को फांसी भी दे दी जाती है नाइनटीन में तो ये उस टाइम का इंसिडेंट है फिर विलिंगटन आ जाते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फिर इस टाइम पे देखिए पूना पैक्ट भी साइन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पास होता है तो ये टाइम ड्यूरेशन आप ध्यान रखेंगे तो नाइनटीन में ये आपको ध्यान आ जाएगा लिन लेथगो की बात करें तो अगस्त ऑफ़र ये नाइनटीन का अगस्त ऑफर आया हुआ था और क्रिप्स मिशन भी आया हुआ था और क्विट इंडिया मूवमेंट भी इसी टाइम हुआ था जिसमें कि डू और डाई का स्लोगन दिया था गांधी जी ने करो या मरो रीडिंग की बात करें तो ये नाइनटीन ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी फाइव था देखिए चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था और मोपला विद्रोह हुआ था केरला में नाइनटीन ट्वेंटी वन में मोपला रिबेलियन हुआ था तो इस टाइम पे रीडिंग था उस टाइम पे नेक्स्ट देखिए वेवेल की बात करें और माउंटबेटन की बात करें तो वेवेल देखिए उन्नीस सौ चौवालीस उन्नीस सौ सैंतालीस तक था तो सी आर फार्मूला उस टाइम पे हुआ था लॉन्च ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस वेवेल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस नाइनटीन फोर्टी फाइव में हुआ था तो उस टाइम पे वेवेल था माउंटबेटन की बात करें उन्नीस से अड़तालीस तक और जून थर्ड को इन्होंने अपना माउंटबेटन प्लान दिया था पाकिस्तान और इंडिया को डिवाइड करने के लिए लास्ट वॉइस रॉय एंड फर्स्ट वॉइस रॉय सॉरी लास्ट वॉइस रॉय थे माउंटबेटन फर्स्ट वॉइस रॉय थे कैनिंग ओके और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ़ फ्री इंडिया ओके फ्री इंडिया के पर्स्पेक्टिव से बात करें जो कि नॉन इंडियन थे माउंटबेटन थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया जो कि इंडियन थे वो कौन थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हु एमंग द फॉलोइंग पास द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास किया था लिटन ने ओके एटीन सेवेंटी में पास किया था और ये टारगेटेड था जो कि अमृत बाज़ार पत्रिका थी जिसको कि शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने स्टार्ट किया था उसके बिहाफ में मतलब उसको ही प्राइमरली टारगेटेड करके ये जो पास किया गया था एटीन में लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्योंकि इसमें क्या था कि जो हम इंडियंस अंग्रेजों के अगेंस्ट में कुछ भी अपनी प्रेस में लिखते थे या न्यूज़पेपर में तो उसको ये लोग ज़बरदस्ती हमसे ले लेते थे और वो उसको स्प्रेड नहीं होने देते थे ताकि लोग अवेयर ना हो और लोग कोई भी मूवमेंट या आंदोलन ना करें ठीक है और इसको फिर ख़त्म कर दिया गया था रिपील कर दिया गया था बाय रिपन इन एटीन ठीक है ध्यान में रखिएगा अब यहाँ लिटन की बात करें तो वर्ना क्लोर प्रेस एक्ट इसने पास किया था 1878 में आर्म्स एक्ट भी इसने पास किया था और उसके बाद देखिए मैक्सिमम एज टू टेक अप सिविल सर्विसेज एग्जाम इसने लोवर कर दिया था इसी ने घटा दिया था 21 से 19 तक ठीक है बट रिपन ने क्या किया था 21 फिर किया था हुज कॉल्ड एज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को ओके okay? प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं चार्ल्स मेटकॉफ को 1835 थर्टी फाइव टू थर्टी इसका टाइम टीनियोअल रहा था और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज कॉल्ड एज लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस तो यही था मेटकॉफ़ ही लिफ्टेड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज ऑन फ्रीडम ऑफ द प्रेस तो जो हमारे इंडियन प्रेस पर जो भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगी हुई थी उसको थोड़ा से उसने हटाया था तो दैट्स वाई दिस वॉज द रीज़न कि हम लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहते हैं चार्ल्स मेटकॉफ को नेक्स्ट द बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट वॉज पासड इन विच ईयर तो ये 1829 में इसको पास किया गया था राजा राम मोहन रॉय विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक इन्होंने पास किया था 1829 में ताकि अब कोई भी जो औरत है अपनी पति की चिता पे नहीं जलेगी ठीक है अब ये सब्सिडरी अलायंस थे इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था जिसको कि वेले जली ने इंट्रोड्यूस किया था या उसने स्प्रेड किया था ब्रॉडर एरिया में तो देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा वन थ्री एंड फोर टू वन थ्री फोर एंड टू तो सबसे पहले निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने इसको एक्सेप्ट किया था सब्सिडरी अलायंस को उसके बाद मैसूर ने किया था ठीक है उसके बाद किया था अवध ने लास्ट में ये पेशवा ने इसको एक्सेप्ट किया था सब्सिडरी अलायंस को तो वेले जली के बारे में बात करें तो ये 1798 नाइन्टी एट टू एटीन जीरो फाइव का गवर्नर जनरल रहा था ऑफ बंगाल फर्स्ट स्टेट टू बी एक्वायर्ड फ्रॉम द सब्सिडरी अलायंस वॉज निज़ाम ऑफ हैदराबाद ठीक है तो सेवनटीन नाइन्टी एट में फ़र्स्ट ऐसा स्टेट था जो कि निजाम ऑफ हैदराबाद था इसने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था इसमें क्या होता था कि अगर कोई स्टेट इसको एक्सेप्ट कर लेता था तो उस किंग के पास कोई भी पावर्स नहीं होती थी सारी पावर किसके पास चली जाती थी अंग्रेजों के पास चली जाती थी और वो उनके खर्चे भी वहन करता था बट बदले में बस उसको ये मिलता था कि कोई भी बाहरी आक्रमण होगा कोई भी बाहरी इन्वेजन होगा तो उस किंग को प्रोटेक्शन दी जाएगी ठीक है तो यही था सब्सिडरी अलायंस सहायक संधि और उसके बाद देखिए मैसूर फिर तंजौर अवध पेशवा 1802 में उसके बाद भोसले राजा बरार ये एटीन थर्टी में सिंधिया फिर होलकर एटीन एटीन तो इस तरीके से ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ये सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट करने का जैसे हमने अभी डलहौजी का देखा था उसमें भी सतारा जैतपुर झांसी को कब कब डॉक्टर ऑफ लैप्स के अंडर में एनेक्सेसन किया गया था या उनको एक्वायर किया गया था तो उसी तरीके से आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि कब कब कौन से स्टेट को एक्वायर किया गया था बाई वेलेजली अंडर सब्सिडरी अलायंस या फिर सहायक संधि ठीक है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम पे ट्रीटी ऑफ बसीन के टाइम पे भी था वेलेजली और मद्रास प्रेसिडेंसी के इस्टैब्लिशमेंट के टाइम पे भी था और फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकटा तो ये इस्टैब्लिशमेंट हुआ था वेलेजली के टाइम ड्यूरेशन में ध्यान में रखिएगा फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है कैलकटा में है वेलेजली के टाइम ड्यूरेशन में इसको स्थापित किया गया था इस्टैब्लिशमेंट किया गया था ये कुछ ओवरव्यू है इसको आप पॉज करके आप देख सकते हैं इसका ये टाइम ड्यूरेशन भी दिए गए हैं और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी दिए गए हैं ठीक है ये कैनिंग था सबसे लास्ट गवर्नर जनरल था फिर उसके बाद वो 1858 के एक्ट के थ्रू फर्स्ट वॉइस रॉय भी बन जाता है ठीक है वॉरन हेस्टिंग से स्टार्ट है और कैनिंग तक आते हैं गवर्नर जनरल्स उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉइस रॉय की लिस्ट है तो कैनिंग फर्स्ट वॉइस रॉय बनता है 1858 के एक्ट के थ्रू उसके बाद ये सारी वॉइस रॉय की लिस्ट है ये आपको पॉज करके देख लेना है और उसके बाद देखिए ये हो जाता है आपका लास्ट में राजगोपालाचारी जी ठीक है ये हो जाते हैं राजगोपालचार्य जी उसके बाद यहाँ पे ये भी वही चीज़ें जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है फ़र्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल ये क्लाइव हो जाते हैं फ़र्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉर हेस्टिंग्स हो जाते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक हो जाते हैं फ़र्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो ये माउंट बेटन हो जाते हैं फर्स्ट ये प्रेसिडेंट नेशनल कांग्रेस का तो वूमेश चंद्र बैनर्जी फर्स्ट वॉइस ऑफ इंडिया तो ये कैनिंग हो जाते हैं फर्स्ट इंडियन इंडियन अगर बात करें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया या फ्री इंडिया के चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य जी हो जाते हैं ठीक है नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था ऑप्शन आर रॉबर्ट क्लाइव वॉरन हेस्टिंग्स विलियम बेंटिक कैनिंग ओके यू हैव टू गिविव मी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन कॉमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल दिन टेक केयर अपना खूब सारा ख्याल रखिए और इस वीडियो को दो से तीन बार जरूर रिवाइज कीजिए जिससे कि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए